विच आर यूज इन ए प्लांट सो हमने देखा कि देट आर फोर टाइप्स ऑफ मेनली लेआउट दैट इज़ प्रोडक्ट लेआउट प्रोसेस लेआउट फिक्स पोजिशन लेआउट एंड कॉम्बिनेशन लेआउट सो वहाँ पर एक डिफरेंट एक बेसिक लेवल पर आइडिया डेवलप हुआ कि प्रोडक्ट लेआउट का मतलब क्या है प्रोसेस लेआउट का मतलब क्या है और फिक्स पोजिशन लेआउट का मतलब क्या है तो जो मोस्ट जनरलाइज जो लेआउट है दैट इज़ कॉम्बिनेशन ले और कहते प्रोसेस लेआउट तो अब ठीक है ये आइडिया हो गया कि प्रोसेस ले का मतलब क्या है लेकिन अब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने जो सिमिलर टाइप्स के आप मशीन्स को कहीं पे लोकेट किया है तो उसके लोकेशन के पीछे का क्या लॉजिक है सपोज दैट हमारे पास एग्जाम्पल है कि पाँच टाइप के लेथ मशीन्स हैं छः टाइप के ड्रिलिंग मशीनस हैं ग्राइंडिंग मशीन हैं दस टाइप की उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे सेट किया इस टाइप के हमारे पास जो सेल्स हैं सपोज़ ट्वेंटी सेल्स हैं तो ट्वेंटी सेल को एक एरिया में लोकेट करना है और लोकेशन का मकसद क्या होना चाहिए कि जिससे उनके बीच में जब मटेरियल का या मैन का मूवमेंट हो तो मूमेंट मिनिमम हो और अगर हो भी तो आपस में कोलेप्स ना करें आपस में एक दूसरे से टकराएं ना एक स्मूथ फ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल हो तो इस टाइप की अगर जब बात करते हैं तो अगर हमारे पास दो तीन चार मशीनस हैं तब तो, तो वहाँ पर कोई खास बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं आते हैं लेकिन एक बड़ी इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीनस होंगी बहुत सारे सेल्स होंगे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे तो उन डिपार्टमेंट्स के बीच में मैन एंड मसील का मटेरियल का मूवमेंट होना है तो एट सच टाइप ऑफ सिचुएशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन द ले आउट विद मैनुअल एक्टिविटी तो ये पॉसिबल नहीं है तो एट दैट टाइम हमें कुछ आ, हद तक कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ती है दैट्स वाई इट इज़ नीडेड टू स्टडी कंप्यूटर एडिट लेआउट डिज़ाइन टेक्निक्स ओके सोजा देखें ऐसा कब होता है क्यों होता है तो आई हैव लिस्टेड सम काज दैट वाई वी नीड कंप्यूटर एडेड लेआउट डिजाइन टेक्निक्स सो फर्स्ट इज इन ए बिग ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू मेनी डिपार्टमेंट एंड दे आर इंटरलिंक्ड किसी बड़ी इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे सपोज दैट पहला डिपार्टमेंट क्या होगा जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है एक परचेज डिपार्टमेंट हो गया आफ्टर दैट एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा उस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के लेआउट प्लान कर रखे हैं प्रोडक्ट लेआउट प्रोसेस लेआउट कॉम्बिनेशन लेआउट तो आप कह सकते हैं कि लेआउट अंदर चाहे जो भी हो लेकिन दैट इज़ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठीक है तो एक परचेज डिपार्टमेंट हो गया एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया एक इन्वेंट्री डिपार्टमेंट हो गया एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो गया इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट हो गया आफ्टर दैट पैकेजिंग डिपार्टमेंट है फिर सेल्स डिपार्टमेंट है ऐसे ही ना जाने कितने डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जब आपस में कोलोबरेट होते हैं सिंक्रोइ मैटर मैनर में तब जाके एक इंडस्ट्री स्मूथली फ्लो कर पाती है तो दैट्स वाई इन ए बिग ऑर्गेनाइजेशन देर आर टू मैनी डिपार्टमेंट्स एंड दे आर इंटरलिंक सबके बीच में इंटर लिंक कुछ होते हैं हाँ अब जो इंटरलिंक का जो लेवल है जो उसका ग्रेड है वो कम ज़्यादा हो सकता है जैसे अगर हम कहें कि मैनुफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इनका आपस में प्रॉक्सीमिटी क्या है इनका आपस में जो रिलेशन है उसकी इंटेंसिटी क्या है तो जाहिर सी बात है कि मैनुफैक्चरिंग होने के बाद उस प्रोडक्ट को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाना ही है तो इट मींस क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और मैनुफैक्चरिंग डिपार्टमेंट दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर और इसलिए इनको इनको आपस में ऐसे पोजीशन पे लोकेट होना चाहिए जिससे स्मूथली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से होके गुजर जाए है ना तो एक मैंने एग्जांपल दिया इस टाइप से ए लॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल टेक्स प्लेस ईच डिपार्टमेंट हैव डिफरेंट क्लोजनेस रेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट मैंने बताया आपसे अभी है ना इट क्रिएट ए कॉम्प्लेक्स सिचुएसन फॉर लेआउट तो अब ये बात जब हो गई कि मैनुफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से बहुत क्लोज रेटिंग है जो क्लोजनेस रेटिंग है बहुत हाई है और सपोज दैट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है उससे उसका डिस्टेंस क्या होगा कि विदाउट टेस्टिंग विदाउट क्वालिटी कंट्रोल वो पैकेजिंग तो होना नहीं है तो उससे उसका जो क्लोजनेस रेटिंग की जो आ, डिग्री है वो कम है तो इस टाइप से जो इंटर भी है और रिलेशन सबका एक साथ सारे डिपार्टमेंट का एक जैसा एक दूसरे के साथ नहीं है कुछ कम कुछ ज़्यादा है तो उसी के बेसिस पे हमको ये डिजाइन करना पड़ेगा कि पूरे प्लांट में पूरी फैक्ट्री में कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ रखा जाए हाँ मैनुफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जहाँ होगा फिर इन द मैनुफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कौन सा लेआउट होगा प्रोडक्ट लेआउट प्रोसेस लेआउट वो हम लोग लास्ट टाइम में पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर बात हो रही है कि डिपार्टमेंट्स की लोकेशन की बात हम लोग करने जा रहे हैं ठीक है दियर फोर ले मस्ट बी ऑप्टीमाइज मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटीरियल ठीक है क्योंकि इतने ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं उनके रिलेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं तो उसको हम उसका कोई एक यूनिक सोल्यूशन नहीं पॉसिबल है कि कोई एक एक कोई इंसान आया और इसने डिजाइन कर दिया कि इसको यहां बनाइए इसको यहां बनाइए इसको यहां बनाइए ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है यूनिक सोल्यूशन नहीं पॉसिबल है ढेर सारे सोल्यूशन पॉसिबल हैं उस ढेर सारे सोल्यूशंस में कौन सा सोल्यूशन बेस्ट सुटेबल है वो हमें देखना पड़ेगा और इसके लिए हमें कुछ ऑप्टिमाइज टेक्निक्स की यूज़ करनी पड़ेगी दैट्स वाइज सम कुछ 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 कैलकुलेसन्स होंगी उस कैलकुलेस के हम काम करने चल रहे हैं है ना तो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड डेवलप ए प्रोग्राम विथ सुटेबल अल्गारथीम टू ऑप्टिमाइज ले आउट डिजाइन तो क्योंकि ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा दो तीन डिपार्टमेंट की बात नहीं है एक इंडस्ट्री में ट्वेंटी फाइव फिफ्टी या फिफ्टीन डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं उनके रिलेशन इतने ज़्यादा होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन इतने ज़्यादा होंगे कि इसको मैनुअली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है दैट्स वाई वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ कंप्यूटर दैट्स वाई दिस टॉपिक इज़ नोन एज कंप्यूटर एडिट लेआउट डिजाइन टेक्निक ओके सो काफ़ी कुछ काम इस पर हो चुका है और अभी भी चल रहा है रिसर्च लेवल पर तो जो अभी अवेलेबल हमारे पास लेआउट पैकेजेस अवेलेबल हैं जिससे हम अपने अपने प्लांट के डिफरेंट डिपार्टमेंट के लेआउट को डिजाइन करते हैं दे आर मेनली कैटेगराइज इन टू कैटेगरी वन इज़ कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम एंड अदर इज़ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम वाट इज़ कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम वहाँ सूटेबल है जब हम किसी नई प्लांट का नए प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट कर रहे होते हैं मीन्स हमारे पास जो कुछ वर्क कर रहे हैं वो पेपर पे है हमारे पास लैंड अवेलेबल है मनी अवेलेबल है हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है तो अभी सब पूरा मैदान खाली है हमें स्टार्टिंग uh, से उस पर कुछ इस्टेब्लिशमेंट करना है तो एट दैट टाइम जो प्रोग्राम हम लोग यूज़ करते हैं उसी को कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम सो कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स आर सुटेबल फॉर इंडस्ट्री इन प्लानिंग स्टेज मीन्स फॉर द न्यू प्लांट जब न्यू प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं तो एट दैट टाइम हमें ये प्रोग्राम सुटेबल होंगे इसमें कुछ कुछ सॉफ्टवेयर कुछ प्रोग्राम अभी तक डेवलप हो चुके हैं इसके अलावा भी कुछ हैं लेकिन दीज थ्री प्रोग्राम्स आर मेन प्रोग्राम्स दैट इज़ कोरलैप है ना कोरलैप मीन्स कम्प्यूटराइज रिलेशनशिप लेआउट प्लानिंग कंप्यूटराइज रिलेशनशिप लेआउट प्लानिंग ये सभी वर्ड से कुछ कुछ अल्फाबेट लिए गए हैं कंप्यूटराइज से सी ओ लिया गया है रिलेशनशिप से आर ई लिया गया है लेआउट से एल ए एंड प्लानिंग से पी तो इसी को हम लिख रहे हैं कोरलैप है ना नेक्स्ट इज एल डेप एलडेप मीन्स ऑटोमेटेड ले आउट डिजाइन प्रोग्राम ऑटोमेटेड ले आउट डिजाइन प्रोग्राम सो दिट इज नोन एज एलडेप एंड वन इज मोर दैट इज प्लैनेट प्लांट ले आउट एनालिसिस एंड इवेल्युएशन टेक्निक है ना तो दीज आर थ्री मेन प्रोग्राम विच आर यूज टू डिज़ाइन ए न्यू प्लांट ठीक है अच्छा एक बड़ी काम की बात है कि तीनों के तीनों ही इस इनका जो एलगोर्थीम हम लोग डेवलप करते हैं वो एलगोर्थीम और बेस्ड ऑन एक्टिविटी रिलेशनशिप चार्ट इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ए सी आर एक्टिविटी रिलेशनशिप चार्ट तो ये भी अभी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि वॉट इज एक्टिविटी रिलेशनशिप चार्ट इनका जो लॉजिक है ये सारे प्रोग्राम के जो पीछे लॉजिक काम कर रहा है वो एक्टिविटी रिलेशनशिप चार्ट के एक्टिविटी सॉरी सॉरी ए आर सी ए आर सी एक्टिविटी रिलेशनशिप चार्ट सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम और एक टाइप का प्रोग्राम एवेलेबल है जिसे हम कह रहे हैं कि सुटेबल फॉर ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्लांट मीन्स अगर कोई प्लांट पहले से है और उस पर हमें कुछ चेंजेस करने हैं एज पर द रिक्वायरमेंट कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई कुछ प्रॉब्लम फील हुई हमें उसको फिर से दोबारा से ऑप्टीमाइज़ करना है तो फॉर देट परपज़ वी यूज दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज़ क्राफ़्ट एंड आर यू जी आर क्राफ़्ट मीन्स कंप्यूटराइज रिलेटिव एलोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़ टेक्निक

उनके बीच में कुछ इंटर रिलेशंस होंगे और इंटर रिलेशन्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी कि वो आपस में मिल के दूसरे के साथ किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इस इस बेसिस पे कुछ रिलेशंस होंगे तो जो एक्टिविटी हैं उन एक्टिविटीज़ की हमें कुछ प्रायरिटी सेट करनी पड़ेंगी उसके कुछ कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी सपोज दैट कुछ हमने यहाँ पर कोड बने हैं ये स्टैंडर्ड कोड्स हैं है, है ना ऐसे अगर कोड ए है ए का मतलब क्या है एप्सल्यूटली रिक्वायर्ड प्रॉक्सीमिटी मीन्स अगर दो डिपार्टमेंट के बीच का रेल रिलेशन बहुत क्लोज है जैसे हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट तो इनके बीच की जो प्रॉक्सिमिटी है जो नियर बाई जो रिलेशन हैं वो बहुत क्लोज है तो इस चीज़ को हम दिखाने के लिए ए कोड का यूज़ करेंगे एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड प्रॉक्सिमिटी दिस विल बी सोन बाई अल्फ़ाबेट ए है ना सिमिलरली स्पेशली इम्पॉर्टेंट विद द अल्फाबेट ई और जब आई लिखेंगे कि आई का मतलब क्या है इम्पॉर्टेंट एंड ओ मीन्स ऑर्डिनरी इम्पॉर्टेंट यू फॉर अन इम्पॉर्टेंट एंड एक्स फॉर क्लोजनेस अनडिज़ायरेबल मीन्स अगर एक्स का मतलब क्या है कि दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके बीच का क्लोजनेस कोई मतलब नहीं है उनके बीच का कोई भी एक्टिविटी आपस में इंटरलिंक नहीं करती है या करती भी है तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है है ना तो इस टाइप से देखें तो उसी से हम एक चार्ट डेवलप करेंगे लाइक like दैट एक एग्जाम्पल है इस तरह का चार्ट बन के आएगा इसी को बोल रहे हैं ए आर सी एक्टिविटी रिलेशनशिप चार्ट सपोज दैट यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट लिए गए डिपार्टमेंट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सपोज दैट सिक्स डिपार्टमेंट है एंड डिपार्टमेंट आर असेंबली ऑफिस स्टॉक रूम शिपिंग ब्रेक रूम एंड टूल रूम ये कुछ सिक्स डिपार्टमेंट है इनके बीच का आपस में रिलेशन हमें देखना है कि इस कि कैसे आएगा इसको इसको बनाएँ कैसे पहले हॉजेंटल लाइन के बीच में डिपार्टमेंट नाम लिखे गए आफ्टर दैट फर्स्ट जो डिपार्टमेंट था उसके टॉप लाइन से और नीचे लास्ट के बॉटम लाइन को हमने ऐसे मिला दिया ट्रेंगुलर फॉर्म में ठीक है फिर इस लाइन के पैदल दूसरी लाइन खींची तीसरी लाइन खींची ऐसे ऐसे लाइन खींचते चले गए फिर इसके पैदल ऐसे ऐसे लाइन खींच दिया तो आप देखेंगे कि इस टाइप से कुछ ब्लॉक्स बन जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बन जाएंगे अब अगर किसी ब्लॉक की बात करें हम यहाँ पे सपोज दैट जैसे हमने ब्लॉक ए की बात करें तो ब्लॉक ए ये जो यहाँ लिखा ये वाला ब्लॉक है ये ब्लॉक क्या शो करता है दिस ब्लॉक इज़ शोइंग द रिलेशन ऑफ शिपिंग एंड स्टॉक रूम तो शिपिंग और स्टॉक स्टॉक रूम के बीच का रिलेशन को ए से लिखा गया है ए मीन्स क्या है एप्सल्यूटली रिक्वायर्ड प्रॉक्सिमिटी मीन्स ये कहा गया है जिसने इसको बनाया है कि जो आपका स्टॉक रूम है और जो शिपिंग डिपार्टमेंट है इन दोनों को आपस में बहुत पास पास होना चाहिए क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे के साथ हैं तो जब हम प्लांट को डिज़ाइन करेंगे उसमें ध्यान रखेंगे कि हम ऐसा एल्गो बनाएंगे कि जहाँ पे ए कोड आएगा और उसके हिसाब से वेटर्स देते हुए स्टॉक रूम को और शिपिंग डिपार्टमेंट को हम बहुत क्लोज रखेंगे सपोज़ दैट देखिए कहीं पर एक्स लिखा है ये दैट इज़ एक्स एक्स का मतलब क्या है एक्स ये ब्लॉक क्या शो कर रहा है दिस ब्लॉक इज़ शोइंग द रिलेशन बिटवीन द ऑफिस एंड बिटवीन द ब्रेक रूम तो ये डिपार्टमेंट इसको कर रहा है कि ऑफिस और ब्रेक रूम ब्रेक रूम का मतलब क्या है रेस्ट रूम जहाँ पे हमारे जो स्टाफ है वो जाके रेस्ट करते हैं बीच में तो ऑफिस और रेस्ट रूम के बीच के जो रिलेशन को एक्स से डिनोट किया गया है और एक्स का मतलब क्या है क्लोजनेस अनडिजारेबल मीन्स कुछ एक्टिविटी तो होती है दिन में एक बार लंच करने जाते ही हैं लेकिन उस एक बार की एक्टिविटी के बेसिस पे इसको हम बहुत क्लोज नहीं रख सकते उससे बेटर है किसी और चीज़ को उसके नियर बाई शिफ्ट किया जाए ठीक है ना तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ओ ए आई सपोज दैट ओ दिख रहा है तो ओ का मतलब क्या है ओ इज़ द रिलेशन बिटवीन द ऑफिस एंड असेंबली तो अगर आपको ये देखना हो बहुत बहुत आसानी से दिखाई पड़ जाएगा कि अगर हम ये देखना चाहें कि असेंबली से बाकी डिपार्टमेंट का रिलेशन क्या है तो असेंबली से असेंबली से बाकी डिपार्टमेंटेशन कैसे देखेंगे दिस इज द रो ऑफ असेंबली और देखिए ऑफिस का रिलेशनशिप कैसा है ओ से डिनोट किया जा रहा है ऑर्डनरी इंपॉर्टेंट स्टॉक रूम का क्या है ए uh, से किया जा रहा है एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड प्रॉक्सिमिटी एंड शिपिंग का आई से किया जा रहा है इंपॉर्टेंट है एंड अगेन ब्रेक रूम का ई से किया जा रहा है तो दिस इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट एंड टूल रूम का ए से है तो एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड प्रॉक्सिमिटी तो एक रो ये दिखा रहा है दिस रो इज शोइंग दैट कि असेंबली डिपार्टमेंट का बाकी डिपार्टमेंट से क्या रिलेशन है तो बाय द एक्टिविटी रिलेशनशिप चार्ट इट इज वेरी इजी टू सी द रिलेशन बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स ठीक है तो इसी को हम कह रहे हैं एक्टिविटी रिलेशनशिप चार्ट चलिए इसको एक थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक इजावर असेंबली लाइन बैलेंसिंग असेंबली लाइन बैलेंसिंग से मतलब क्या है यहां पर कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ जाते हैं और आने के बाद उसकी हम कहीं किसी डिपार्टमेंट में असेंबली करते हैं जब असेंबली करते हैं तो असेंबली के अंदर कोई चीज़ मैनुफैक्चरिंग तो होती नहीं वहाँ पर बहुत फास्टली बहुत तेज़ी से एक लाइन चल रही होती है और डिफरेंट डिफरेंट कई कई वर्क स्टेशन बने होते हैं और हर वर्क स्टेशन पे कुछ कुछ वर्क असाइन होते हैं कि इस वर्क स्टेशन पे ये काम होगा इस वर्क स्टेशन पे ये काम होगा और उसको ऐसा डिजाइन किया जाए जिससे कि बहुत तेज़ी से बहुत फास्ट हमारी असेंबली का वर्क पूरा हो है ना तो इसी को हम कह रहे हैं असेंबली लाइन तो असेंबली लाइन बैलेंसिंग कैसे बैलेंसिंग का मतलब क्या है हाउ टू बैलेंस है असेंबली लाइन कि उसके बीच में किसी तरह की रुकावट ना आए ना मशीन को वेट करना पड़े प्रोडक्ट का और ना प्रोडक्ट को वेट करना पड़े वर्क स्टेशन का मीन्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन एंड लेबर ये अगर हम इंश्योर कर पाए किसी असेंबली लाइन में तो हम इसे कहेंगे असेंबली लाइन बैलेंसिंग चलिए इसको एक थोड़े छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं सपोज दैट हमें एक बाइसिकल को असेंबली करनी है तो एक बाइसिकल ले लेते हैं और इसमें कुछ हमें पार्ट असेंबल करना है मकसद हमारा यह है कि साइकिल बनके तैयार हो जाए यहाँ कुछ पावर मैकेनिज्म होगी ठीक है इस टाइप से ठीक है तो मोटा मोटा देखा जाए तो सपोज दैट हमने कोई एक्ज एग्जाम्पल लिया है कि एक साइकिल के असेंबली सारे कंपोनेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं साइकिल का फ्रेम वो बना बना रखा है व्हील्स बने रखे हैं हैंडल बने रखे हैं मैनुफैक्चरिंग का वर्क इज़ रेडी और अब हमें इन सबको असेंबल करना है तो फास्ट असेंबल करने के लिए इंडस्ट्रियल परपज़ के लिए क्या करेंगे हम एक असेंबली लाइन बनाएंगे दिस इज़ नोन एज असेंबली लाइन कि यहाँ से काम शुरू होगा और जब यहाँ बाहर वर्क आएगा तो यहाँ पर हमें साइकिल मिल जाएगी ठीक है सपोज दैट हमने कुछ वर्क स्टेशन बनाए हैं इट इज़ नियर अबाउट सिक्स वर्क सिक्स वर्क स्टेशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सिक्स वर्क स्टेशन पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट वर्क असाइन किए हैं उनको होना है सपोज दैट फर्स्ट वर्क स्टेशन पर यहाँ पर हमारे पास फ्रेम आएगा पहले हमने फ्रेम लिया और उस पर पहला काम क्या किया हमने पावर ट्रांसमिशन का जो अटैचमेंट है इंस्टॉल किया दैट इज़ दो गियर लगाने हैं और उसमें एक चैन लगाना है पेडल लगाना है तो टू गियर एक चैन और एक पैडल की असेंबली यहाँ पे होनी है दिस वर्क स्टेशन हैव ए वर्क टू असेंबल टू गियर वन चैन वन पैडल है ना अब इस काम को जितनी जल्दी से कर पाएंगे वैसे ही होने के बाद ये लाइन आगे बढ़ेगी और आगे जब बढ़ेगी तो व्हील असेंबली होगी व्हील असेंबली क्या हो रही है हमें टू व्हील्स लगाने हैं है ना ये भी कर सकते थे कि फ्रंट व्हील यहाँ लगे अगले असेंबली पे अगले वर्क स्टेशन पे दूसरी व्हील लगे लेकिन हमने यहाँ दो दो, दो एक्टिविटी को क्लब कर दिया है एक वर्क स्टेशन पर तो टू व्हील की असेंबली यहाँ हो गई नेक्स्ट जब व्हील लग गया तो फर्स्ट आगे गया हैंडल असेंबली एक हैंडल इंस्टॉल हो गया हैंडल असेंबली इंस्टॉल होने के बाद फिर उस पर ब्रेक असेंबली इंस्टॉल हो गई हाँ इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सी है ऐसा नहीं पॉसिबल है कि पहले ब्रेक असम्बली इंस्टॉल हो जाए पहले ब्रेक उस पर इंस्टॉल हो जाए फिर हैंडल इंस्टॉल हो क्योंकि हमें साइकिल ने मालूम है कि हैंडल पर ही ब्रेक लगते हैं फ्रंट और रियर तो दैट्स वाई पहले हैंडल असेंबली करनी पड़ेगी ब्रेक असेंबली बाद में करनी पड़ेगी इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा आफ्टर दैट ड्राइविंग सीट हमने लगाया और उसके बाद पेंटिंग शॉप में भेजा पेंट होकर निकला तो हमें यहाँ पे साइकिल मिल गई यहाँ हमें फ़ाइनल मिल गया आउटपुट साइकिल मिल गई अब जरा इसी को एग्जाम्पल से समझा जाए कि सपोज दैट कि टू गियर वन चैन वन पैडल को इस पर असेंबल करने पर सपोज दैट हमें लगते हैं थ्री मिनट ठीक है है ना इस लाइन पे हर तरफ से डिफरेंट दो तीन वर्कर लगे हैं और जैसे ही यहाँ पे फ्रेम पहुँचा फर्स्ट उन्होंने उस पर इंस्टॉल किया और विद इन थ्री मिनट ये हमारा वर्क कम्प्लीट हुआ आफ्टर थ्री मिनट इट विल गो ऑन द व्हील असेंबली और जब व्हील असेंबली पर गया तो दो व्हील लगने में सपोज दैट लगते हैं टू मिनट है ना आफ्टर दैट जब ये व्हील असेंबली लगने के बाद हैंडल असेंबली पर गया सपोज दैट इसे लगते हैं फोर मिनट है ना और फोर मिनट के बाद जब ब्रेक असेंबली पे जा रहा है इसे टू मिनट लग रहा है ड्राइविंग सीट को लगने में वन मिनट लग रहा है पेंटिंग शॉप को सपोज दैट थ्री मिनट लग रहा है इतना इस पर लगा ठीक है देखें जरा तो कुछ इन डाटा के बेस पे कुछ वैल्यूज निकल के आ रही हैं है ना थ्री मिनट में यहाँ वर्क ख़त्म हुआ उसके बाद ये इस पर गया तो ये जो मशीन थी ये वेट कर रही थी इसका है ना क्योंकि यहाँ पे काम दो मिनट में ख़त्म हो जाता है यहाँ पे जो प्रोडक्ट ख़त्म होता है इस पर वर्क ख़त्म होता है तीन मिनट में थ्री मिनट में तो जाहिर सी बात है कि हर प्रोडक्ट के बीच में वन मिनट का यहाँ पे गैप आएगा है ना इस वन मिनट के गैप में क्या होगा जो वर्क स्टेशन टू है ये हमारा वर्क स्टेशन वन था ये टू था ये थ्री था ये फोर फाइव और ये सिक्स वर्क स्टेशन टू को अपने प्रोडक्ट के लिए वेट करना पड़ेगा कितना वन मिनट तो इसका मतलब क्या है कि वर्क स्टेशन टू के जो लेबर हैं जो मशीन हैं वो सब वेट कर रहे हैं तो उनका जो भी कॉस्ट उस पर इन्वॉल्व है वो लॉस जा रही है है ना ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है क्योंकि यहाँ थ्री मिनट है यहाँ टू मिनट है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस मशीन को वेट ना करना पड़े तो देखते हैं क्या कर सकते हैं एक लेबर बढ़ा दें शायद जल्दी काम हो जाए यहाँ पे इस पर है ना या कुछ मशीन को कुछ और ऑटोमेटिक कर दें तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है तो ये एक ईसू दिखाई पड़ रहा ना आपको कि यहाँ थ्री मिनट यहाँ टू मिनट तो वन मिनट का वेटिंग टाइम हो गया किसके लिए वर्क स्टेशन टू के लिए है ना वैसे आगे देखें तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है कि इससे एक प्रोडक्ट का, का काम टू मिनट में ख़त्म हो जा रहा है लेकिन यहाँ पे क्या काम हो रहा है फोर मिनट तो यहाँ क्या होगा यहाँ भी वेटिंग टाइम होगा ठीक है कितना मिनट होगा टू मिनट होगा लेकिन क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा लेकिन वर्क स्टेशन हमारा फ्री नहीं है वर्क स्टेशन पर वर्क चल रहा है प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया तो दिस इज़ वेटिंग टाइम फॉर प्रोडक्ट एंड दिस इज वेटिंग टाइम फॉर वर्क स्टेशन वेटिंग टाइम फॉर वर्क स्टेशन तो अगर इस टाइप से चीज चल रही है तो अगर प्रोडक्ट वेट कर रहा है अगर प्रोडक्ट वेट कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास वर्क इन प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस ये बढ़ता रहेगा है ना तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बढ़ती रहेगी तो इसलिए इस लाइन को भी हम बैलेंस लाइन नहीं कहेंगे है ना तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये ये वेटिंग टाइम जीरो हो जाए या ना होने पाए तो जैसे यहाँ पे एक व्हील असेंबली लग रही है तो यहाँ पे हम दो लगा दें है ना यहाँ पे दो लगा देंगे तो नहीं है यहाँ पे हैंडल असेंबली पे फोर मिनट लग रहा है अगर हैंडल असेंबली के लिए जो मैन पावर या हमने मशीनरी सेट किया है उसको अगर डबल कर दें तो ये फोर मिनट टू मिनट में हो जाएगा जब टू मिनट में हो जाएगा तो ये टू और ये टू इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो हमारे पास इन्वेंट्री इकट्ठा हो रही है ये जीरो हो जाएगी तो इस टाइप की सिचुएशन हमें दिखाई पड़ती है किसी भी असेंबली लाइन में और इसी को हमें दूर करने को हम लोग कह रहे हैं लाइन बैलेंसिंग ठीक है ना तो दैट इज नोन एज असेंबली लाइन बैलेंसिंग है ना सो जस्ट सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइन बैलेंसिंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग लाइन बैलेंसिंग इज टू डिस्ट्रीब्यूट टास्क इवेनली ओवर द वर्क स्टेशन सो एज टू मिनिमाइज द आइडल टाइम ऑफ मैन एंड मशीन ना तो मशीन आइडल रहे और ना ही मैन आइडल रहे क्योंकि आइडल टाइम ऐसा होता है जहाँ पर किसी टाइप की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही होती है तो ये बहुत ही लॉस वाला टाइम है तो हमें बैलेंसिंग को ऐसे करना है कि कोई भी ना मैन फ्री रहे न मशीन फ्री रहे हमारी प्रोडक्शन लाइन स्मूथली कॉन्टिन्यूस हर मशीन चलती रहे सो फॉर दैट पर्पज फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी फॉलोड व्हाट इज़ क्राइटेरिया फर्स्ट दैट इज प्रोडक्शन एट द डिजायर्ड आउटपुट कैपेसिटी कि इस हर प्रोडक्शन लाइन की एक डिजायर्ड कैपेसिटी uh, है आप क्या चाह रहे हैं कि पर आवर हमें टेन बायसिकल असेंबल होकर बाहर आ जाए है ना तो ये आपने डिजायर्ड आउटपुट सेट किया है तो अब आपको जो असेंबली लाइन को बनाना है इस परपज़ के लिए बनाना है कि हाउ टू डिजाइन द असेंबली लाइन दैट टेन बायसिकल असेंबली इज कम्प्लीटेड इन वन आवर ओके सेकेंड इज सिक्वेंस ऑफ टास्क इज फिजविल जो आपने टास्क वर्क स्टेशन पर जो टास्क सेट किए हैं उसकी फिजिबिलिटी देखना जरूरी है जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा यहाँ पर देखिए कि ये नहीं पॉसिबल है कि ये जो टास्क है हैंडल असेंबली एंड ब्रेक असेंबली इनका जो सीक्वेंस है ये रिवर्स नहीं कर सकते ऐसा नहीं पॉसिबल है कि पहले ब्रेक के असेंबली कर ले फिर हैंडल के असेंबली कर लें तो पहले हमें हैंडल असेंबली करनी पड़ेगी आफ्टर दैट ब्रेक असेंबली करनी पड़ेगी तो दिस इज नोन एज सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ द टास्क इज फिजिबल एंड नेक्स्ट इज लाइन शुड बी इफिशियंट मीन्स इफ़िशियंसी प्रोडक्टिविटी ऑफ देंबली लाइन मस्ट बी हाई ओके सो वाट आर द कंपोनेंट ऑफ असेम्बली कंपोनेंट ऑफ असेंबली मीन्स कि टास्क टास्क की अगर हम बात करें तो एक स्टेशन पे नंबर ऑफ टास्क पॉसिबल है एक स्टेशन पर नंबर ऑफ टास्क पॉसिबल है हाउ इट कैन बी सो दैट यू कैन सी इन द एग्जाम्पल कि देयर इज फर्स्ट वर्क स्टेशन और इस वर्क स्टेशन पे हमने तीन काम लिए हैं टू गियर्स का अरेंजमेंट है ना ये कहते हैं जो पावर गियर्स हैं इस पर चैन लगाएंगे वन चैन एंड पैडल तो जो पावर ट्रांसमिशन में आ, ये इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं इनको यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि टास्क का मतलब क्या नंबर ऑफ टास्क एट वन स्टेशन ऐसा हो सकता है ऐसा करना भी चाहिए कि एक स्टेशन पे एक काम नहीं हो क्योंकि एक स्टेशन पे एक काम होगा तो टाइम बढ़ता जाएगा ठीक है और लेबर बहुत लग जाएंगे मैन पावर बहुत लग जाएगी नेक्स्ट क्या है टाइम क्योंकि कोई ना कोई टास्क हो रहा है तो उस टास्क में टाइम जरूर होगा तो टाइम इज एसोसिएटेड विद द टास्क है ना नेक्स्ट इज प्रिस रिलेशनशिप प्रिडेंस रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ कि एक काम कुछ काम कुछ एक्टिविटीज कुछ टास्क ऐसे हैं कि जिसको करने के लिए पिछले टास्क का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है बिना उसको कंप्लीट हुए हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगला काम नहीं हो पाएगा जैसे साइकिल का एग्जाम्पल लें तो हमने साइकिल में पहले फ्रेम का होना जरूरी है क्योंकि तो अगर फ्रेम नहीं होगा तो उस फ्रेम पर हम कोई भी असेंबली नहीं कर सकते है ना तो इसी को बोल रहे हैं प्रेसिडेंस रिलेशनशिप तो इसको एक प्रेसिडेंस डायग्राम की मदद से समझा जाएगा ठीक है सपोज दैट एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्वेश्चन यह है कि ड्रॉ द प्रेसिडेंस डायग्राम सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑपरेशन हैं वन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट प्रोसेस है इसमें लगने वाले टाइम है और इसका ये प्री ये प्री डिससर है प्री डिसर मतलब क्या हुआ कि सी एक्टिविटी को सी प्रोसेस को होने के लिए ए प्रोसेस का होना जरूरी है विदाउट फिनिशिंग ऑफ ए प्रोसेस वी कैन नॉट स्टार्ट द सी प्रोसेस तो हियर वी कैन सी दैट ए एंड बी डोंट हैव एनी प्री डिसेसर तो इसका मतलब ए और बी को स्टार्ट होने में किसी तरह की कोई इशूज़ नहीं है हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं तो सपोज दैट हमने ए प्रोसेस को ख़त्म ये स्टार्ट किया और बी प्रोसेस को स्टार्ट किया इसके लिए कोई प्रसन्न नहीं है ये फ्री है इंडिपेंडेंट है अब अगर हमें सी स्टार्ट करना है तो सी को स्टार्ट होने के लिए ए का एंड होना जरूरी है ठीक है तो सी तब स्टार्ट होगा जब ए खत्म हो जाएगा ठीक है यहाँ सी स्टार्ट हुआ आफ्टर फिनिशिंग ए वी कैन स्टार्ट सी ओके सी डी डी को स्टार्ट होने के लिए ए और बी दोनों का ख़त्म होना जरूरी है डी के लिए ए और बी दोनों खत्म होना जरूरी है तो डी की एक्टिविटी डी प्रोसेस को हम तब स्टार्ट कर सकते हैं जब ए भी खत्म हो जाए और बी भी खत्म हो जाए तो विदाउट ए और बी के एंड भी डी को स्टार्ट नहीं कर सकते दोनों के साथ सिमिलरली ई e की बात करें तो ई एक्टिविटी सी और डी के उस पर आएगा तो ई e एक्टिविटी तभी स्टार्ट कर सकते हैं सी डी के ख़त्म होने के बाद सपोज दिस एक्टिविटी इज ई वी कैन स्टार्ट इट आफ्टर एंडिंग द प्रोसेस सी एंड डी ओके okay. एफ को स्टार्ट करना है एफ विल बी स्टार्टेड आफ्टर डी एफ विल बी स्टार्टेड आफ्टर डी डी के बाद एफ स्टार्ट होगा ठीक जी विल बी स्टार्टेड आफ्टर ई जी विल बी स्टार्टेड आफ्टर ई जी विल बी स्टार्टेड आफ्टर ई ठीक एंड एच विल बी स्टार्टेड आफ्टर ई एफ जी एच एक्टिविटी जो है वो ई एफ जी के बाद स्टार्ट होगी जब तक तीनों कंप्लीट नहीं हो जाएंगी ये भी कंप्लीट हो जाए ये भी कंप्लीट हो जाए और ये भी कंप्लीट हो जाए तब जाके हमारी एक्टिविटी एच स्टार्ट होगी तो इसी को हम कह रहे हैं प्रिसिडेंस डायग्राम। इससे क्लियर हो रहा है कि हमारा जो टास्क है उसकी सिक्वेंसिंग क्या हो सकती है तो लाइन बैलेंसिंग जब हम करेंगे तो इस सिक्वेंस का ध्यान रखेंगे ओके सो स्टेप्स ऑफ असेंबली लाइन बैलेंसिंग फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन टास्क फॉर फोर फॉर वर्क स्टेशन सेकेंड इज सिक्वेंसिंग सिक्वेंसिंग ऑफ द टास्क प्री डिसर एंड सक्सेसर टास्क आर आइडेंटिफाइड थर्ड वन इज कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटपुट फोर्थ इज असाइन टास्क टू ईच स्टेशन बाई यूजिंग ह्यूरिस्टिक अप्रोच वट इज ह्यूरिस्टिक अप्रोच एक थम रूल है ऐसे थम रूल को इसको हम लॉजिकली एनालिसिस करके प्रूफ कर पाते हैं उसी को बोलते हैं ह्यूरिस्टिक अप्रोच नेक्स्ट वन इज़ इवेल्युएट इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी एंड लास्ट वन इज़ इम्प्रूव द लेआउट बाई ट्रायल एंड रन मैथड क्योंकि ये सब कुछ ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक है इसके एक यूनिक सोल्यूशन नहीं है मल्टीपल सोल्यूशंस हैं तो इसको हमें बार बार uh, देखना पड़ेगा कि बेटर सोल्यूसन कौन सा है तो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर एंड वी विल मीट विथ सम न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच